जाने की ये मामूली सी बात है, मामूली इंसान की ये मामूली सी बात है। कलम किताब की जगह हाथों में लिपटी आग है, स्याही का रंग नीला नहीं खून जैसा लाल है। क्या कमी है इनमें भैया, क्यों ये इनका हाल है। मामूली इंसान है ये, मामूली सी बात है। शीशे से कटे हाथों की नरमी की ये बात है। गर्मी की तपती जमी और चप्पलों की बात है। मामूली इंसान की ये, मामूली इंसान की ये मामूली सी बात। उत्तर प्रदेश का ये छोटा शहर फिरोजाबाद भारत का कांच की चूड़ियों का सबसे बड़ा व प्रमुख केंद्र है। यहाँ के आधे से अधिक वासी इसी उद्योग से जुड़े हुए हैं। काम की मात्रा में वृद्धि होने के बावजूद ये उद्योग तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल रखने में असफल रहा है। परिणाम स्वरूप इस उद्योग के कारीगर एवं मजदूर अमानवीय परिस्थितियों में काम करते रहते हैं। उनका शोषण किया जाता है और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कई खतरों को झेलना पड़ता है। कारीगरी सब एक तरह से बिल्कुल दिमाग में बस गई है, ये समझो हमें तो करना है ही। 40-42 साल है तो हमें स्थिति दिखाई सही दे नहीं रही है। यहाँ तो ये समझ लो खून पसीने का पैसा कमा रहे हैं ये मजदूर। जब तक इनके हाथ पैरों में जान नहीं आती, जब तक कारखानदार चलाता है, उसके बाद में क्या निकल बाहर, जैसे वो जुए में से वो बेल निकाल देते हैं, चलो अब कुछ काम के नहीं है भाग जाओ। मैंने मकसद बताओ, हमें तो बेटा 40 साल देखते हुए हो गई। मेरे नेता आए चले गए अपनी जेबें भर भर के, मजदूर महंगी वही है बेचारा। हम तो अपने बच्चों को नहीं कुचलना चाहे किसी को, ये तो बहुत बुरा काम है। हमने तो कर लिया बेटा गर्मी में, तो अभी तो ये जाड़े हैं, गर्मियों में इतनी हालत बुरी हो जाती है मजदूर की कि बस बता नहीं सकते। पानी डाल डाल के काम करते हैं, पानी डाल डाल के काम करते हैं, और कोई फैसिलिटी नहीं है। अब जो है तो वो तो है, गर्म पानी मिल जाए, कोई फैक्ट्री में वो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठंडा पानी मिल जाए मजदूर को कुछ नहीं। गर्मी के बहुत दफ़े हॉस्पिटल में रहे, बढ़ती तकलीफ होती रही है, वो तो हो जाती है। फिर 2 दिन बाद फिर आना पड़ता है, जाएंगे कहाँ, यहाँ से निकल गए जाएंगे कहाँ बेटा। तो यहाँ पे मजदूर क्या अपनी तनख्वाह को लेके खुश है या फिर वो चाहेंगे कि वो किसी तरह बढ़ सके। बेटा मैं बताऊँ तुम्हें, तनख्वाह अनखा तो ये सबसे अहम चीज़ पढ़ाई होती है, हर चीज़ पढ़ाई आगे बढ़ाती है। बस अब यहाँ पढ़ाई है नहीं है तो वो क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे। आपके यहाँ पे कारीगर खुश है? हाँ, खुश होगा, जब ही करेगा नहीं, करेगा ही नहीं। और जो आप यहाँ पे जो आपके कारीगर हैं, आप उनको कितनी तनख्वाह देते हैं? 350 रुपए से ऊपर देते हैं, फिर काम पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों का काम ज्यादा भी हो जाता है, कुछ लोगों का काम इससे कम होता है। भैया ख्याल रखा जाता है 350 रुपए से ऊपर इनकी इनकम हो जाए। तो एक महीने में मतलब कितना होता होगा? 2-10 हजार के बीच में होता है। बुढ़ापे में कर रहे काम, लड़ाइयाँ दंगे, मतलब क्या पैसा दो। अब बच्चे जितना कमा रहे, कोई 150 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है, इनसे कहीं पूरे होते।
फिरोजाबाद में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की स्थिति है, अगर मजदूरी अगर अच्छी हो तो शिक्षा बढ़े, मजदूरी इतनी नहीं है, खान पान से ही नहीं बच पाता, पैसा बचे मजदूरी से, मजदूरी अच्छी हो तो फिर आगे बच्चों को भविष्य अच्छा मिलेगा, शिक्षा बढ़ेगी तो भविष्य अच्छा मिलेगा, इनकम ही नहीं है इतनी, सैलरी इतनी है ही नहीं है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, कुछ दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, चार छह साल पढ़ाया और फिर वो घूम फिर गया, इसी चूड़ी में ही पैर जाती है, निकलने की स्थिति मिलती नहीं है, इसके चूड़ी से बाहर निकला जाए निकल नहीं पाता। और पे जाए ये गर्मी के टाइम में जो है परेशानी होती है, बेटा अंदर घुसा नहीं जाता गर्मी में, और जो पंखे चलते हैं वो आग के वापस जो है आग फेंकते हैं, हवा ठंडी हवा तो आती नहीं है गर्मी में, फिर भी मजबूर हैं पेट के खातिर जो है बरसात करते हैं और बैठे रहते हैं काम करते हैं वहाँ पे, और जो है बदन में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, भाई भाई टाइम पे चक्कर भी आ जाती है, कबाड़े खा के लोग गिर भी जाते हैं, मगर उनके लिए कोई इलाज का कोई हिसाब नहीं है। पहली बात तो ये है सरकार की तरफ से जो है यहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं है किसी जेवर को, ना तो किसी हॉस्पिटल में मल्लम पट्टी के लिए, जैसे फैक्ट्री में हम लोग काम करते हैं और जैसे चोट फूट लगे आती है तो अपनी जेब से इलाज कराना पड़ता है, जैसे हरी बीमारी लग गई तो फैक्ट्री मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है, यह अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ती है। अच्छा। मजदूर तो चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, मजदूर तो मजदूर है, मजदूरों को कोई धर्म नहीं होता, और समझो तो बहुत कुछ है, ना समझो तो कुछ भी नहीं है। घर से निकल कर बाहर कहीं कुत्ते बिल्लियों का इलाज तो अच्छा हो सकता है, मगर यहाँ पे जो है लेबर का इलाज कुछ नहीं है, तो ना कोई MP MLA या कोई सरमाएदार, कोई गरीबों का हमदर्द नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले के अलावा, ना तो यहाँ की आमदनी अच्छी और ना कारोबार अच्छा। उसी महसूस होती है हमारा जो है चूड़ी का कारोबार जो है बाहर दूर दूर फैला हुआ है, मगर कभी कभी दुख भी होता है कि हमारी स्वास्थ्य पर असर पड़ रही है, स्वास्थ्य पर देखो याद देखो स्वास्थ्य पर असर ही है, याद कैसे हो रहे हैं, किसी अगर बड़े आदमी से अगर हाथ मिला जाए तो मैंने इनकार कर देगा पीछे हटा लेगा हाथ देख के। जैसे मोर जो है अपने पैर देख कर रोता है ना, तो बाजी बाजी टाइम पे अपने हाथ देख कर रोना पड़ता है कि हमने क्या काम सीखा, तो हमारे हाथ इतने गंदे इतने बुरे हो गए हैं, तो बाजी बाजी टाइम पे ऐसे रोना भी आता है। कोई बाहर वाला यहाँ पे फिरोजाबाद को देखता है तो उसे तो सिर्फ यहाँ पे रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखती हैं। हाँ, मगर शरीर नहीं दिखता रंग बिरंगा मजदूर का, आपने देखा था वो पॉट जो निकल रहा था भट्टी के अंदर से, वो जानवरों से भी ज्यादा बदतर काम था, आपने तो देखा था उसको। हाथ जोड़ कर ये विनती करते हैं कि फिरोजाबाद में काम करना ना आए, चारों तरफ आगे आ गए, जहन्नुम के बीच में हम रह रहे हैं और जहन्नुम में बैठ के हम काम करते हैं। जिस भीड़ ने मांगी थी आजादी उसी की बात है, मामूली इंसान की ये मामूली सी बात है, मामूली इंसान की ये